तो नमस्कार दोस्तों, मशीनी वैसे करें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद से मैं फिर से वीडियो स्टार्ट किया हूँ। एक्चुअली मैं अपना ट्राईपॉड भूल गया हूँ, तो अगर मेरे हाथ थोड़े हिल रहे हैं कैमरा पकड़ने के टाइम तो उसके लिए सॉरी, पर पढ़ाई करने से मतलब होता है वीडियो कैसा भी बने। तो हमने लास्ट यहाँ पे 20 पॉइंट तक क्लियर किया था बियरिंग, अब हमारा ये 21 से स्टार्ट होगा। 21 से मैं ट्राई करूँगा, छोटा सा है बहुत जल्दी ख़त्म करने के लिए, और ट्राई करूँगा। आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ डाउट हो तो ये सारे क्वेश्चंस, जैसे बलास्ट नहीं समझा, बियरिंग नहीं समझा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, तो मैं आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। ये हम यहाँ पर बर्थ, ए प्लेस असाइन टू ए वेसल फॉर एंकरिंग और लाइंग अलॉन्ग साइड ए पायर और जेटी। जो हमारा ये होता है जब हमारी शिप पोर्ट के पास जाती है ना, उसको पोर्ट भी बोलते हैं हम और जेटी भी बोलते हैं, ठीक है। बर्थ का मीनिंग वो होता है जब हमारी शिप कोई पोर्ट पे चली जाती है तो उसको हम जेटी भी बोलते हैं। बिटर एंड, इनर एंड ऑफ द केबल। तो इसका मैं बता देता हूँ पेज चेंज करके कि बिटर एंड को क्या बोलते हैं। जैसे कि देखो, ये शिप का फ्रंट साइड का है, यहाँ पे आप एंकर देख सकते हो राइट साइड में, और ये जो मैं फिंगर कर रहा हूँ इसको देखो, ये लिखा हुआ बिटर एंड। ये एंकर चेन जो जिससे जुड़ी होती है लास्ट में, उसको हम बिटर एंड बोलते हैं। ओके, एक सेकंड ना, कैमरा क्लियर नहीं हो रहा यार। जैसे आप ये देख सकते हो बिटर एंड, ये जो कॉर्नर वाला जो है इसको हम बिटर एंड बोलते हैं। ये एंकर चेन है, ये पूरा ये चेन यहाँ से निकल के ये शिप के बाहर एंकर को लगा हुआ होता है, तो हम इसको बिटर एंड बोलते हैं। ओके, अब हमारा आता है बोलार्ड। बोलार्ड क्या है? लार्ज एंड फर्मली सिक्योर्ड पोस्ट ऑफ सर्कुलर सेक्शन फॉर सिक्योरिंग हॉसर मूरिंग रोप, ऑफन फिटेड इन पेयर्स ऑन सेम बेस प्लेट्स। तो ये मैं आपको बता देता हूँ बोलार्ड किसको बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हो इसको हम बोलार्ड बोलते हैं। इसके अंदर शिप के जो बड़े बड़े मूरिंग रोप्स होते हैं इसके अंदर अटका के फिर शिप को स्टैंड बाई किया जाता है पोर्ट के पास में। ओके, उसके बाद है बूबी हैच। बूबी हैच एन एक्सेस हैच इन अ डेक टू ए कंपार्टमेंट। ये क्या होता है? एक ये फॉरवर्ड एंड वी हैव आफ्टर बूबी हैच, मतलब जो डेक का कंपार्टमेंट होता है वहाँ से, मतलब एक हैच होता है जगह, वहाँ से हम डायरेक्ट डेक से कंपार्टमेंट में जाने के लिए रास्ता होता है, उस रास्ते को हम बोलते हैं बूबी हैच। फिर बाद में आता है बूट टॉप और बूट टॉपिंग, द सर्फेस ऑफ द आउटसाइड प्लेटिंग बिटवीन लाइट एंड लोड वाटर लाइन। ये देखिए बूट टॉप, एक सेकेंड आपको ये इजीली समझाता हूँ। सरफेस ऑफ द आउटसाइड प्लेटिंग बिटवीन लाइट एंड लोड वाटर लाइन। ये जो शिप का फ्रंट पार्ट होता है ना, यहाँ पे लोड वाटर लाइन होता है, जैसे ड्राफ्ट मार्क्स, उसके यहाँ का जो स्पेस रहता है उसको बूट टॉप या हम बूट टॉपिंग बोलते हैं। अब ये क्या है? वन मोर मूव, बॉव, द फॉरवर्ड एंड ऑफ ए शिप, बॉव, इसका बता देता हूँ। जैसे ये बुक के ऊपर मैंने ये देखो, ये फ्रंट पूरा शिप है बड़ा वाला, और यहाँ पे ये जो फ्रंट एकदम नीचे का जो होता है ये वाला, यहाँ पे इसको बाव बोलते हैं, BOW। आपको बाव बता दिए तो फॉरवर्ड एंड ऑफ ए शिप होता है। दूसरा होता है बाव स्टॉपर, ए मेटल बार यूज्ड अक्रॉस द एंकर चेन टू ईज द स्ट्रेन ऑन द विंडलास। अब मैं बताता हूँ बाव स्टॉपर क्या होता है। देखिए ये होता है बाव स्टॉपर, ये जो आप एरो देख रहे हो यहाँ से ब्लैक कलर का एरो जा रहा है, एंकर चेन को एक मेटल स्टील प्लेट होता है उससे रुकाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉ स्टॉपर, ताकि ये एंकर चेन को रुका के रखे। उसके बाद आप ये देख सकते हो जो चेन के अंदर से जो वायर बांधा है इसको हम वायर लैशिंग बोलते हैं। ओके, ये बॉ स्टॉपर ये होता है। इसमें शायद से क्लियर आपको नहीं दिखे, पर अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। अब ये आता है ब्रेक वाटर। ये ब्रेक वाटर बॉ स्टॉपर आपको समझा दिया, ब्रेक वाटर है ये वाला। ब्रेक वाटर मैं समझाता हूँ, स्टोन वॉल स्ट्रक्चर एट द हार्बर एंट्रेंस टू डैम्पन द सी एंड स्वेल, मतलब जो समुंदर का जो बहाव आता है एकदम तेज़ बहाव आता है, तो उसके लिए एक वॉल बनाया जाता है स्टोन का वॉल, कड़क वाला, उससे क्या होता है पानी लग के फिर से वहीं रुक जाता है या पीछे चले जाता है, इसलिए उसको हम ब्रेक वाटर बोलते हैं। वाटर वहाँ ब्रेक कर देता है, मतलब आगे नहीं पहुँचने देता है वाटर। ऐसे जो एक एग्जाम्पल के लिए वॉल ऐसे बना सकते हो और ये लिख सकते हो आप। ये वाला तो सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन एक बार देख लो, इंक्लाइन बुलवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन द वेदर डेक विच मिनिमाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ द सी ब्रेकिंग इन टू इट। देखो ब्रेक वाटर ऐसा होता है, मतलब एक बुलवर्क टाइप होता है, जो बोलते हैं ना एक जगह होती है, एक बहुत ही कड़क जगह होती है, वहाँ से ये ब्रेक वाटर, ये ब्रेक वाटर सेम है, वहाँ से क्या होता है आपको पानी का इम्पैक्ट, मतलब पानी अगर फोर्स से आ रहा है तो वो वॉल के वजह से स्लो डाउन कर देता है, वाटर को ब्रेक कर देता है।
बहुत ही सिंपल है ये। तो जो मेन मेन है उसको मैं बार बार करूँगा, आप कुछ कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये ब्रिज है, ब्रिज क्या होता है, कंट्रोल रूम ऑन द शिप नेविगेशन एंड मैन्यूवरिंग। ब्रिज मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखो ये पूरा बड़ा शिप है, तो ये जो वाइट कलर का है ना ये पूरा, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रिज होता है, इसके अंदर से ही कैप्टन अपने शिप को चलाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज। ओके, ब्रीफिंग तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है, एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन टू क्रू एंड पैसेंजर को दिया जाता है। बल्बस बाउ, जो मैंने आपको यहाँ बाउ बताया था कहाँ गया, ये बाउ द फॉरवर्ड एंड ऑफ ए शिप, ये वही होता है बल्बस बाउ। प्रोट्रूडिंग बाउ बिलो वाटर लाइन विच हेल्प्स इंक्रीज द स्पीड। ये जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो बाउ है बल्बस बाउ बोलते हैं इसको, बाउ भी बोलते हैं बल्बस बाउ भी बोलते हैं। ये क्या करता है, वाटर को कट करता है और स्पीड इंक्रीज करने के लिए ये मदद करता है। ओके, बल्बस बाउ ये है, इसका आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये, और फिर इसके प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसके बारे में मैंने बताया था कि बल्क कैरियर क्या होता है। स्पेशलाइज शिप होता है विच लार्ज कार्गो होल्ड वॉल्यूम फॉर बल्क, जैसे कि उसके अंदर कोयला, कोल, ग्रेन, बॉक्साइट और शुगर, शक्कर वगैरह डाला करते हैं। बल्क हेड वर्टिकल पार्टीशन विच सब डिवाइड्स शिप इंटू कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ये बता देता हूँ आपको, ये मैंने ट्राई किया बल्क हेड ढूंढने के लिए, पर आपको उसका फोटोज़ मुझे नहीं मिला, तो मैं ट्राई करूँगा वीडियो के बीच में यहाँ पे ऐसा फोटो डाल दूँगा बल्क हेड किसको बोलते हैं। और ये है बल्क हेड कोलिशन, द फॉरमोस्ट ट्रांसपोर्ट वाटर टाइट बल्क हेड। ये एक वाटर टाइट बल्क हेड होता है जो जब डैमेज भी हो गया, कोलिशन भी हो गया, तो दूसरे इसको डैमेज नहीं करें। जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स के बीच में जगह होती है, तो एक अलग अलग गैप होता है। अगर पहला कंपार्टमेंट अगर उसके वजह से, मौसम की वजह से खराब होने की वजह से या टूट गया या फट गया, तो वो वाला मतलब वो पानी मिक्स हो गया तो खराब हो जाएगा, फिर वो दूसरे बल्कहेड में नहीं जाना चाहिए। इसलिए बल्कहेड कोलिशन के लिए द फॉरमोस्ट ट्रांसवर्स वाटर टाइट बल्कहेड डिजाइन टू कीप वाटर, ऐसा डिजाइन किया है टू कीप वाटर आउट ऑफ द फॉरवर्ड होल्ड इन केस ऑफ बाउ कोलिशन डैमेज। बल्कहेड जो होता है, अगर देखो ये जो बाउ है ना, ये डैमेज हो गया ना, तो यहाँ पे एक अलग से कंपार्टमेंट होता है, वो ये बल्कहेड को ऐसे बनाया गया, अगर आगे से शिप ने ठोक भी दिया सामने से, तो उसके अंदर का जो कोल है, जो भी है कार्गो है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए वैसा बनाया जाता है। ये बुलवर्क, द साइड ऑफ ए शिप अबाउ द डेक, वर्टिकल प्लेटिंग एट ए शिप टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ वाटर ब्रेकिंग इनटू डेक। ये बुलवर्क जो होता है ना, मैं बता देता हूँ, ये देख रहे हो ये पट्टी, ये वाइट वाली जो पट्टी जा रही है ना, ये पट्टी, अगर ये पट्टी नहीं रहेगी ना, हम यहाँ पे कैसे खड़े रह के हाथ यहाँ पे रख के हम देख सकते हैं, तो अगर ये पट्टी ऐसे नहीं रहेगी ना, तो यहाँ से जब पानी टकराएगा तो पानी पूरे अंदर आएगा यहाँ पे, ये पूरा एरिया ख़राब कर देगा, इसलिए ये बुलवर्क का होना ज़रूरी है। ये जो पार्ट होता है इसको हम बुलवर्क बोलते हैं ये। ओके, उसके बाद में आता है बॉय, ए फ्लोटिंग कॉनिकल और सिलेंड्रिकल टैंक विथ ए और विदाउट ए टॉप मार्क। बॉय आपको बहुत ही सिंपल है, मैं बता देता हूँ, जो हमारे टायर ट्यूब कैसे होते हैं वैसे ही सेम ऑरेंज कलर का या रेड कलर का आपने देखा होगा, उसको हम बॉय बोलते हैं। केबल, चेन कनेक्टिंग ए वेसल टू द एंकर, जो चेन होती है ना, एंकर चेन जो हम बोलते हैं, यहाँ पे होगी देखो ये एंकर, इसके अंदर जो चेन होती है यहाँ से आती है वो ऐसे चेन, तो वह एंकर को कनेक्टेड होती है, उसी को हम बोलते हैं केबल। केप साइज टू टर्न ओवर, केप साइज कब होती है पता है, जब हम अगर हमारी शिप ऐसे सीधी है, ओके, और हमारी शिप पानी में ऐसी, और जब शिप ऐसे पूरे आड़ा हो जाए, उसको हम बोलते हैं केप साइज। ओके, कैजुअल्टी आपको तो पता ही है, ये इंजरीज या एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है शिप पे, तो उसको कैजुअल्टी बोलते हैं। चाफिंग, वेन टू मटेरियल रब ईच अदर कॉजिंग वियर एंड टीयर। अभी चाफिंग का मीनिंग आपको सिंपल बता देता हूँ, आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये आप देखो, ये रस्सी देख रहे हो, ये पूरी रस्सी निकली हुई है, यहाँ से जब उतर निकालते या चढ़ाते मूरिंग के टाइम घसती है, तो ये घस के ये जो स्ट्रैंड्स इसके निकल गए ना बाहर, इसको हम बोलते हैं चाफिंग। ओके, ये समझ में आ गया। अब क्या है पॉइंट नंबर 42, चाफिंग प्लेट, राउंडेड प्लेट डिजाइन टू मिनिमाइज चाफिंग ऑफ रोप्स। आपको ये दिखा देता हूँ राउंडेड प्लेट किसको बोलते हैं, ये जो आप ये राउंडेड प्लेट देख रहे हो राउंड, ये यहाँ से निकल रही है ना, तो इसके हेल्प की वजह से ये जो घसान वसान है ना, ये बहुत कम हो जाता है, ये काफ़ी रेयर केस में होता है, इतना वर्स्ट है ना रोप यूज़ नहीं करते हैं। पर चाफिंग क्या बोलते हैं, ये जो निकल गया है, और चाफिंग प्लेट क्या बोलते हैं, ये जो गोल वाला है, यहाँ से क्या होता है, इसके सपोर्ट से ना ये चाफिंग होना मतलब घसना बंद कम हो जाता है, तो उस कम होने की वजह से हमारे जो रोप रहती है बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती रहती है। अब आता है पॉइंट नंबर 43, क्या लिखा है, चेन लॉकर, ए कंपार्टमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ एंकर चेन। ये जो मैंने आपको बताया था पहले बीटर एंड, अभी देखो जहाँ चेन एक जगह पूरी जमा हुई है ना, उसको हम बोलते हैं चेन लॉकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो फिर मैं पाउज करूँगा तो थोड़ा सा मोबाइल हिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना इसको। अब आता है चार्ट रूम, कहाँ गया ये रहा 44, चार्ट रूम, रूम वेयर चार्ट्स आर केप्ट इन एज वेल एज अदर नेविगेटिंग इक्विपमेंट सच एज
सेक्सटेंट सिचुएटेड ऑन नेविगेटिंग ब्रिज, मतलब जो चार्ट रूम जो होता है ना समुंदर का या वर्ल्ड मैप का जो भी चार्ट होता है वो एक रूम होता है, स्पेशली नेविगेशन रूम बोलते हैं उसको, ये उसी के लिए होता है चार्ट रूम। ओके उसके बाद होता है क्लिट फिटिंग हैविंग टू आर्म्स और हॉर्न्स अराउंड विच रोप्स मे बी मेड फॉर, जैसा मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले, देखो ये देख सकते हो क्लिट, इसको हम ऐसे क्लिट बोल सकते हैं। ओके ये डिज़ाइन मैंने बनाया जैसा आपको पीछे बोलार्ड या ब्लेड बताया था ना वही वाला है, वैसे ही टाइप का है। ओके कोमिंग और हैच द वर्टिकल प्लेटिंग बाउंडिंग ए हैच फॉर द पर्पस ऑफ स्टिफनिंग द एजेस ऑफ द ओपनिंग, ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है रजिस्टिंग एंट्री ऑफ बिलो, मतलब कैसा होता है एक हैच होता है ऊपर का कंपार्टमेंट जब खाली होता है ना तो उसके बाजू में हैच कवर्स होते हैं, ये उसके लिए होता है। तो ये बहुत मतलब इतना रेयरली आएगा, ये नहीं इसके ऊपर ध्यान मत दो। कॉफर डैम ए नैरो वाइड स्पेस, जैसा समझ लो ये पॉइंट नंबर 46 है, 45 को कुछ मत समझो, खाली है समझो, यहाँ पे एक है तो ये दो रूम है और ये जो क्लीट लिखा है रूम खाली है। ओके एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो पहला रूम यहाँ पे आएगा फिर बीच में जगह छोड़ देते हैं फिर दूसरा रूम आएगा, क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे अगर डैमेज हो गया तो ये फुट के ये वाले कार्गो का ख़राब नहीं, यहाँ के सामान को ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए हर एक कार्गो मतलब हर एक जगह जो रूम होता है अंदर उसको हम कार्गो होल्ड बोलते हैं। ओके तो वो ये जो रूम्स होते हैं ना उसके बीच में जगह होती है उसको हम बोलते हैं कॉफर डैम। उसके अंदर कोल्यूशन बल्क हेड, जो आगे मैंने बताया था फ्रंट साइड का जो बल्क हेड होता है वो कोल्यूशन हो जाता है, उसके लिए कोल्यूशन बल्क हेड एक नाम दिया है। आप वर्ड समझ लो, टर्म्स जो होते हैं ना कॉनवॉय को ध्यान मत दो, इतना कुछ नहीं है। ए ग्रुप ऑफ वेसल विच सेल्स टुगेदर थ्रू ए कैनल और राइस कोर्स, मतलब हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं 35 पॉइंट पे था और अभी आ गया हूँ 50 पॉइंट पे, तो ये मैंने क्या कि इतना कोर्स कवर किया है, एक जगह एक रास्ता मैंने कवर किया, वो होता है द इंटेंडेड डायरेक्शन ऑफ ए मूवमेंट ऑफ वेसल थ्रू द वाटर। ये होता है काउल, काउल देखो ये ऐसा होता है, आपने कई सारे घरों के छत पे या फैक्ट्री के छत पे देखा होगा जहाँ से अंदर से पूरा वो निकलता है, मतलब धुआं वेंटिलेशन के लिए एक बनाया हुआ था ना उसको काउल बोलते हैं। ये डेबिट होता है, डेबिट का मैं रुको मैं आपको फोटो बता दें, मेटल आर्म फॉर हैंडलिंग लाइफ बोट्स बंकर होस पाइप्स एक्सेट्रा, मतलब ऐसे दो तरह के होते हैं, दो उंगली के बीच में जो गैप दिख रहा है मेरा वहाँ पे अपना लाइफ बोट वगैरह हैंग हुआ रहता है। तो डेबिट का फोटो अगर मुझे मिलेगा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, डेबिट का फोटो मैं वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा। डेड वेट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप एट एनी ड्राफ्ट एंड वाटर डेंसिटी, मतलब समझ लो आखिर तक वेट ऑफ ए कार्गो, या मतलब जो कार्गो का वेट होता है ना एकदम वेट फुल भरने के बाद उसको बोलते हैं हम डेड वेट। डेक क्या होता है, प्लेटफॉर्म इन ए शिप करस्पॉन्डिंग टू ए फ्लोर इन ए बिल्डिंग, डेक क्या होता है मैं दिखाता हूँ, जिस पे आप कंटेनर्स देख रहे हो ना ये जो जगह पे रखा हुआ है ये, इसको हम डेक बोलते हैं, DEC के डेक। ओके अभी तक के लिए इतना ही था, इसके बाद मैं ये सारे फ्लैग्स में कवर करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे बने रहोगे तो मैं ट्राई करूँगा अच्छे वीडियोस डालने के लिए। देखिए वीडियोस के थ्रू अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो आप वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जीपी राइटिंग कोर्स।